राम मंदिराच्या संदर्भात शिवसेनेचं योगदान काय आहे हे जगातला प्रत्येक हिंदू जाणतो. जेव्हा देवेंद्र फडणवीस नव्हते, गोधडीमध्ये होते, सगळे गोधडीमध्ये रांगत होते, काय काय सांगतात ते राम मंदिरावर. आणि तुम्ही काय प्रश्न विचारता राम मंदिरावर आम्हाला, त्यांना विचारा प्रश्न, तुम्ही कुठे होतात म्हणून. दरपोक पळून गेले हे लोक, मैदान सोडून पळून जाणाऱ्या लोकांनी, अयोध्येच्या मैदानातून पळून जाणाऱ्या लोकांनी, या पळपुट्यांनी शिवसेनेच्या राम मंदिरातील योगदानावरती प्रश्न विचारावे. की संघ निघली, स्वतःची नामर्दानगी लपवायची आणि दुसऱ्याच्या शौर्यावरती बोट दाखवायचं, बरं का? हां, हा रामाचा अपमान करतायत ते. अगर पॉलिटिक्स का नतीजा नाही होता तो प्रधानमंत्रीजी लक्षद्वीप में जा सकते, एक सीट का हिसाब करने के लिए लक्षद्वीप में जा सकते. लेकिन अब तक 1.5 साल हो गया, प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा सकते. राहुल गांधी मणिपुर पहुंच गए, हाँ, और भी विपक्ष के नेता मणिपुर पहुंच गए, वहां के लोगों से बातचीत जाकर करते हैं, वहां की वेदना समझ लेते हैं. लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जाकर बैठते हैं समुद्र तट पर, हाँ, और वहां बैठकर मालदीव के साथ झगड़ा करते हैं. लेकिन मणिपुर में जो चाइना के लोग घुस गए हैं उनसे पंगा लेने की हिम्मत बीजेपी और आरएसएस में नहीं है. तो राहुल गांधी जी ने गलत क्या बोला है? राजनीति तो है ना, कौन सी राजनीति है? ये राजनीति देश हित की नहीं है, राष्ट्र हित की नहीं है. ये राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की राजनीति है. बोलिए बघा, राम मंदिर हा विषय जर फडणवीसांना लक्ष करण्याचा वाटत असेल महाराष्ट्रात शिवसेनेला, तर मला असं वाटतं फडणवीस यांनी गेल्या 30-35 वर्षातला राम मंदिर लढायचा इतिहास समजून घ्यावा. फडणवीस यांनी आधी स्वतःची खुर्ची सांभाळावी. ज्या पद्धतीनं त्यांना अपमानित करून अर्धवट उपमुख्यमंत्री केलेला आहे ना, त्याच्यावर त्यांनी पाहावं. मी जे म्हणतो, या महाराष्ट्रामध्ये एक फुल दोन डाऊटफुल यांचं सरकार सुरू आहे, बरं का? आणि हे जे एक फुल आहेत ते सुद्धा राहणार नाहीत, आणि दोन डाऊटफुल उपमुख्यमंत्री आहेत. आता देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सुद्धा पूर्ण नाही आहेत, त्यासुद्धा वाटेकरी आहेत. त्यांनी त्याच्यावर बोलावं. राम मंदिराच्या संदर्भात शिवसेनेचं योगदान काय आहे हे जगातला प्रत्येक हिंदू जाणतो. तेव्हा देवेंद्र फडणवीस नव्हते, गोधडीमध्ये होते, सगळे गोधडीमध्ये रांगत होते, काय काय सांगतात ते राम मंदिरावर. आणि तुम्ही काय प्रश्न विचारता राम मंदिरावर आम्हाला, त्यांना विचारा प्रश्न, तुम्ही कुठे होतात म्हणून. दरपोक पळून गेले हे लोक, मैदान सोडून पळून जाणाऱ्या लोकांनी, अयोध्येच्या मैदानातून पळून जाणाऱ्या लोकांनी, या पळपुट्यांनी शिवसेनेच्या राम मंदिरातील योगदानावरती प्रश्न विचारावे. ही संघ नीती आहे, स्वतःची नामर्दानगी लपवायची आणि दुसऱ्याच्या शौर्यावरती बोट दाखवायचं, बरं का? हां, हा रामाचा अपमान करतायत ते. बोलिये काय मी बघा, हे जे आहे कोणते तरुण होते काय होते हे मला माहिती आहे, आमच्याकडे माहिती सगळी आहे. राम मंदिर उडून द्यायची धमकी देणारे विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकर्ते होते, त्यांनी मुसलमान नावं घेतली होती आणि राम मंदिर उडून द्यायची धमकी देत होते. या देशामध्ये लोकसभा निवडणुकीआधी अशा प्रकारे धार्मिक तेढ निर्माण करून, बरं का, अशा प्रकारे धार्मिक तेढ निर्माण करून निवडणुका जिंकायच्या किंवा निवडणुकांना सामोरं जायचं हे भारतीय जनता पक्षाचं षड्यंत्र आहे. ठाकरे कुटुंबाच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही केंद्र सरकारची आहे. महाराष्ट्रामध्ये जे डाऊटफुल सरकार आहे त्यांची नाही, ते सुडानं पेटलेलं सरकार आहे. ही जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. ज्या पद्धतीनं ठाकरे कुटुंबाचं संरक्षण, शिवसेना नेत्यांचं संरक्षण काढून घेतलेलं आहे, त्याच्यामुळे ही सगळी जबाबदारी उद्या भविष्यात काय घडलं तर ही या केंद्राची आणि महाराष्ट्राच्या गृह खात्याची आहे. ठीक है, कांड हो सकता है, जानकारी मिली है तो उसके ऊपर एक्शन लीजिए ना. हमको क्यों सवाल पूछ रहे? हमने बार बार कहा है जिस तरह से ठाकरे परिवार की सुरक्षा में कमी की है ये कौन सी राजनीति है? हम उसे डरने वाले नहीं है. शिवसेना और शिवसैनिक ठाकरे परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है. एक लक्षात घ्या की उद्या, मी काली सांगितलं, उद्या 4 वाजता वरळी डोम येथे माननीय उद्धव ठाकरे आणि काही कायदे पंडित यांची महापत्रकार परिषद आहे. त्याच्यामध्ये तुमच्या सगळ्या प्रश्नांना उत्तरं मिळतील आणि देशभरातल्या पत्रकारांना, मग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल किंवा प्रिंट मीडिया असेल, त्यांना आम्ही उद्या आमंत्रित केलेलं आहे. त्यांच्यासमोर
हा जो निकाल राहुल नार्वेकरांनी दिलेला आहे त्या संदर्भात खुली चर्चा होईल. आमच्यामध्ये हिम्मत आहे खुली चर्चा करण्याची आणि आपण सगळ्यांनी तिकडे यावं. हा बोलू देखिये, कल 4 बजे वरळी में जो मुंबई का सबसे बड़ा एक सभागृह है, हॉल है, वहां हमने एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस वो जनता के लिए भी खुली है और देश के सभी पत्रकार, चाहे हमारे विरोधी हो चाहे और कोई हो, सबके लिए खुला है. आप आइए और हमारी बात सुनिए कि जिस तरह से ये न्याय की धज्जियां उड़ाई है ये लोगों ने, जिस तरह से एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन के जो पिटीशन है उस बारे में संविधान की धज्जियां उड़ाई है सरकार ने और केंद्र सरकार ने भी, उस बारे में हम जनता के साथ डायलॉग करना चाहते हैं और पत्रकारों के साथ डायलॉग करना चाहते हैं. मैं कुछ नहीं कहूंगा. देखिए, अब पाकिस्तान के साथ लड़ाई का मुद्दा खत्म हो गया है, तो चुनाव से पहले ये हमारी भाजपा की सरकार मालदीव के साथ झगड़ा करना चाहती है, मालदीव के साथ जिसके पास खुद की आर्मी नहीं है, पुलिस फोर्स नहीं है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी देश को दिखा रहा है कि हम मालदीव के साथ झगड़ा कर रहे हैं, मालदीव के साथ युद्ध कर रहे हैं, जिस देश को आर्मी नहीं है उनके साथ संघर्ष करेंगे और यहाँ चुनाव में वोट मांगेंगे. अरे मालदीव में चाइना घुस गया है और म्यांमार और चाइना के पूरे उग्रवादी मणिपुर में घुस गए हैं, आप उनको पहले बाहर निकालिए. सर, अयोध्या में जो मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है वहाँ पे अयोध्या कांग्रेस जो पार्टी है वहाँ की वो जाएगी, बट जो टॉप लीडरशिप है दिल्ली में वो नहीं जाने वाली है, कैसे देखेंगे? क्या देखना उसमें? राम मंदिर में, राम मंदिर की इनॉग्रेशन में अगर यूपी कांग्रेस जाएगी, अगर जाना चाहती है तो जाना चाहिए, निमंत्रण है. राम थोड़ी भारतीय जनता पार्टी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, राम सभी के है ना, सबको जाना चाहिए. जिनको जिनको बुलाया है उसने भी जाना चाहिए और जिनको नहीं बुलाया है वो लोगों ने भी जाना चाहिए. ये कौन देने वाला है इन्विटेशन राम मंदिर का? ये कौन है? हाँ, एक बीजेपी का कार्यालय बनाया क्या अयोध्या में? ये बीजेपी कार्यालय है कि हमारे पार्टी के ऑफिस में किसने आना चाहिए नहीं आना चाहिए? हाँ, ये राम मंदिर है, ये सबका है राम और सबको जाना चाहिए. कौन हे पहा, भाजपा नारा काय होता त्यावेळेला? मंदिर वही बनाएंगे. जाकर देखिए मंदिर वहां बन गया है का नहीं बन गया है. जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहां मंदिर नहीं बना है, वहां से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है, वो तो कोई भी बना सकता था, लेकिन हम उसमें भेद नहीं करना चाहते. जहां हम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे वहां मंदिर नहीं बना है, वो डिस्प्यूटेड प्लेस आज भी वैसे ही है. मंदिर बना है वहां से 3 किलोमीटर दूर, ये सबको मालूम है, लेकिन हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे. उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बात करनी चाहिए. जाएंगे ना, हम जाएंगे ना मंदिर में ना, मंदिर की बात, न्याय यात्रा में हम सब जुड़ जाएंगे. ये भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है? आपने आडवाणी साहब को बुलाया क्या अयोध्या में? हमने पूछा? प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेता है, मुझे लगता है यात्रा बहुत लंबी है, बड़ी है, हम सब लोग किसी ना किसी मोड़ पर उस यात्रा में शामिल होंगे.